मुजफ्फरनगर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन की शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर पंचायत हुई। संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि 75 साल में किसानों मजदूरों और बेरोजगारों के लिए कोई कानून नहीं बना, फसलों के दाम भी नहीं मिल रहे हैं। संगठन बकाया भुगतान और गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग कर रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह और उपाध्यक्ष अनु मलिक ने बताया कि पंचायत में आसपास के जिलों के किसान भी शामिल हुए हैं। बागपत, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर समेत अन्य जिलों के किसान भी पंचायत में शामिल होने पहुंचे। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि सरकार अगर संवाद चाहती है तो वो संवाद करे और अगर विवाद चाहती है तो विवाद करे। ये लड़ाई बेरोजगारों के रोजगार की है और फसलों के दाम मजदूरों की मजदूरी की है। जब तक ये नहीं मिलेगा किसान ऐसे ही लड़ता रहेगा। देखो, किसान मजदूर अधिकार हमारे लिए है, ये बेरोजगारों के रोजगार के लिए है। 75 साल में इस देश में किसान के लिए, मजदूर के लिए और इस देश में बेरोजगार के लिए कोई कानून इस देश में नहीं बना। हम लोगों को मलाल है कि हमारे पूर्वज जो इस देश को आज़ाद कराने में फांसी के फंदों में चूम गए, इसलिए हमारा सरकार से ये एक विवाद है, एक संवाद है। सरकार अगर विवाद चाहती है तो विवाद करे और सरकार संवाद चाहती है तो संवाद करे। ये लड़ाई बहुत लंबी है इस देश के उस रोजगार की, इस देश के फसलों के दाम की और मजदूर की मजदूरी की, और जब तक ये नहीं मिलेगी जब तक किसान सड़कों पर ऐसे ही हमेशा लड़ता रहे। सरकार ने चुनाव से पहले बिजली को लेकर वादा किया था, फ्री बिजली किसानों को। हाँ, एक काम करा उसमें, बिजली फ्री तो सरकार क्या देती, मीटर काट दिए 12 पे। सरकार ने कहा कि बिजली हाफ कर दी, बिजली का तो मुझे पता नहीं हाफ हुई नहीं हुई, लेकिन मीटर से बिजली डबल होगी। जो किसान पहले 18,000 रुपए साल का बिल दे रहा था, वही किसान आज 60,000 रुपए महीना का बिल दे रहा मीटर से। इसलिए किसान कहीं ना कहीं पिछड़ा और सरकार की गलत नीतियों के कारण उसका शिकार हो रहा। बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में चरथावल, खतोली, जानसठ और पुरकाजी क्षेत्र में जनसंपर्क कर अधिक से अधिक किसानों से पूछने का आह्वान किया गया था। उधर पंचायत के लिए संगठन के कार्यकर्ता राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचे थे। इस दौरान जिला अध्यक्ष कपिल सोम भी मौजूद रहे।